17वीं सूरत, फरजंद आदम कब तक तुम मेरी शिकायत करोगे और मुझे भूले रहोगे और कब तक मेरा इनकार करते रहोगे जबकि मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं हूं। तुम कब तक मेरी नेमतों का इनकार करते रहोगे जबकि रोजाना तुम्हारा रिस्क मेरी ही तरफ से आ रहा है और कब तक मेरी परवरिश का इनकार करते रहोगे जबकि मेरे अलावा कोई दूसरा परवरदिगार नहीं है। कब तक मुझ पर जुल्म करते रहोगे जबकि मैंने तुम पर कोई जुल्म नहीं किया है। अगर तुम बदन के लिए तबीब तलाश कर भी लो तो गुनाहों से शिफा देने वाला कौन है। तुम मुझसे शिकवा करते हो और मेरे फैसलों से नाराज होते हो। याद रखो अगर किसी को 3 दिन रोजी न मिले और वो ये कह दे कि मुझ में कोई खैर नहीं है तो उसने भी मेरी नेमत का इनकार किया है और जिसने ज़कात अदा नहीं की है उसने मेरी किताब को मामूली तसव्वुर कर लिया है और जिसने वक्ते नमाज जानने के बाद भी उसके लिए वक्त नहीं निकाला है वो मुझसे गाफिल हो गया है। और अगर किसी का ख्याल है कि नेमतें मेरे इख्तियार में हैं और मुसीबतें इबलीस के बस में हैं तो उसने मेरी रुबूबियत का इनकार कर दिया है और इबलीस को मेरा शरीक खुदाई बना दिया है।